हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ़ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन वी आर सपोज टू प्रूव दिस मच। और इसी क्वेश्चन को, मजे की बात है कि इस क्वेश्चन को जब डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाता है तो उसका रूप ये होता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। इस केस में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाता है, इस केस में हमें इसे प्रूव करने के लिए कहा जाता है। तो दोनों ही एक ही तरह के क्वेश्चन से, पर जो सेकेंड वाला पार्ट है इट इज़ ईजियर देन द फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें टारगेट दिया हुआ है कि आपको ये प्रूव करना है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में टारगेट नहीं दिया हुआ है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन माना जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरह से दिया जाए तो उसका आंसर इसी तरह का होता है, पर हमें मालूम नहीं होता है कि इसका आंसर इस तरह का होगा। तो आइए हम इस तरह के आंसर की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन। तो मैं आपको इस पार्ट को डायरेक्ट करने की जगह इस वाले पार्ट को करके बताऊंगा, ताकि आपके 2-in-1 पर्पस सर्व हो सके। तो देखिए, गिवन कर्व इज दिस, लेट दिस कर्व बी नंबर वन। इसका क्या मतलब है? एच एंड के आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब है कि ओनली दीज टू कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। केवल इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस वन, पहले की हेल्प से, और दो बार इसको डिफरेंशिएट करने की हमें परमिशन है उनकी मदद से। क्यों दो बार डिफरेंशिएट करने की मदद है? क्योंकि हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक कॉन्स्टेंट है h और एक है k। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इंप्लाइज ट्वाइस एक्स माइनस एच प्लस ट्वाइस वाई माइनस के डी टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर भी एक कॉन्स्टेंट है, बट आर इज नॉट एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। इसलिए हमें आर एलिमिनेट नहीं करना, हमें एलिमिनेट करना है एच और के। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो वी हैव गॉट दिस। आप चाहें तो टू को कॉमन लेके नीचे भेज सकते हैं, तो ये आपके टू और ये टू हट जाएंगे और आपको मिलेगा इस तरह का आउटपुट। अब आप एक बार इसे और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक बार अगर और डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एच वन माइनस जीरो प्लस, यहां पे आप देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई माइनस के कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट डी वाई बाई डी एक्स माइनस के का जीरो इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में जीरो है, उस डेरिवेटिव इज जीरो। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। इस केस में आप बार बार समझिए कि इस क्वेश्चन में वी आर नॉट गिवन व्हाट वी आर नीडेड टू प्रूव। इसमें हमें प्रूव करना क्या है नहीं दिया है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करना है वो दिया हुआ है। पर हम इसको प्रूव, इसकी इक्वेशन फाइंड करते करते,
इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते निकालते इसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे. दैट इज व्हाई दीज टू क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम. अब आगे बढ़ते हैं. अगर आपको क्वेश्चन ये वाला प्रूव करना होता तो आप इससे dy बाई dx की वैल्यू निकालते, इससे d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते और यहाँ सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट भी कर सकते थे. पर अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है. आइए देखें जो इक्वेशन थर्ड है, थ्री है. व्हाट डज इट इम्प्लाई? थ्री इम्प्लाइज, देखिए थ्री क्या बताती है आपको. थ्री बताती है कि आप इसको वन को राइट साइड में ले जाएं तो आपके पास आएगा y माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन. और आप इस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को भी उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. अब देखिए इससे किसकी वैल्यू मिली हमें, इससे वैल्यू मिलती है हमें y माइनस के की. क्या वैल्यू मिलेगी y माइनस के की? y माइनस के की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस कॉमन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन, आप इसको नीचे भेज दीजिए तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? y माइनस के की. मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको दो कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करना है. कौन कौन से? आर्बिट्ररी हैं जो h और k. इसके लिए आप इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो हमने एक बार किया, दो बार, क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स उतनी बार डिफरेंशिएट करो, उससे ज़्यादा बार आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो हमने इसे दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार दो बार. और h और k आप 1, 2, 3 की हेल्प से एलिमिनेट कर सकते हो. तो अभी हमने 3 का इस्तेमाल करके क्या निकाल लिया? 3 का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया है y माइनस के. अब y माइनस के की वैल्यू आप सेकेंड में रख दो ताकि x माइनस h भी निकल सके. पुटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस के इन टू x माइनस एच प्लस वैल्यू ऑफ y माइनस के. देखिए आप माइनस ब्रैकेट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टू डी वाई बाई डी एक्स, ये y माइनस के की वैल्यू, इन टू दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. देखिए x माइनस एच की क्या वैल्यू होगी. दिस इम्प्लाइज x माइनस एच विल बी प्लस इंटू माइनस इज माइनस और वो उधर जाके प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये वैल्यू आई x माइनस एच की. तो आपके पास दो वैल्यूज है, एक x माइनस एच की और दूसरी है y माइनस के की. सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 5. अब आपको x माइनस एच और y माइनस के को एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ 1. तो फिर नाउ ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x माइनस एच एंड y माइनस के फ्रॉम 5 एंड 4 इन 1, इक्वेशन 1 में. आप याद रख, याद होगी आपको इक्वेशन 1 है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आपको इस इक्वेशन में रखना है. तो x माइनस एच की जगह क्या लिखेंगे आप?
एक्स माइनस एच की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, वाई माइनस के की जगह वो वैल्यू आएगी। देखिए कैसे आएगी, एक्स माइनस एच का यहाँ देखिए होल स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो वैल्यू जो भी आएगी वो पूरे के स्क्वायर के साथ आएगी। तो देखिए किस तरह से आएगी, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस, अब वाई माइनस के की वैल्यू उसका भी स्क्वायर, तो वो वैल्यू नेगेटिव है आप देखिए, तो माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक्स माइनस एच और वाई माइनस के की वैल्यू इसमें रखने के बाद आया। अब आप देखिए कि आगे क्या होता है, आगे देखिए इसमें होगा, दिस इंप्लाइज वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर, किसका, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए कि कॉमन क्या निकल रहा है, तो इसमें आप देखें कि कॉमन निकल रहा है आपके पास वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट विल हैव डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो अब आप ये देखिए, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, दिस एंड दिस, केवल आगे पीछे वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वन, बोथ आर सेम। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें इसका स्क्वायर है, इसमें पावर वन है, तो जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास आएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर टू होल टू द पावर वन, तो पावर हो जाएगी थ्री अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो जब दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, ये देखिए ये बन जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन, इसका लेंगे आप जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर गायब, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आर आ सकता है, लेकिन हमें इसमें दिया रहता है कि आर इज ग्रेटर देन जीरो। वाई, बिकॉज इन दिस इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यू नो व्हाट इज आर, आर इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल हुज सेंटर इज एच कॉमा के, आपने इलेवेंथ में देखा होगा, और बीइंग आर अ रेडियस
इट इज पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन? हू सॉल्यूशन वाज गिवन, जिसका सॉल्यूशन हमें दिया था, जिसकी फैमिली ऑफ कर्व्स दी थी। क्या थी वो फैमिली? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने उसे डिजाइन किया, विच वॉज मोर डिफिकल्ट देन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको ये दिया हुआ था और उसमें आपको लिखा था कि ये प्रूव करिए। आप सेकेंड पार्ट को भी इसी तरीके से प्रोसीड करके प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपके दो काम एक तरीके से होंगे, कहने का मतलब एक पंथ दो काज। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, जिसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के ब्राइट चांसेस हैं। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट।